दीमक जो मरते दम तक अपनी ईमानदारी अपनी कर्तव्य निष्ठा को भरपूर निभाता है। आज बात करेंगे उस दीमक की, बात करेंगे उस टर्माइट्स की जो बड़े से बड़े बिल्डिंगों को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, आपको आर्थिक और संरचनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सीवी अरोड़ा जी। डॉक्टर सीवी अरोड़ा जी सबसे पहले तो 86 से 90 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देते रहे और उसके बाद इन्होंने 90 से लेकर 2022 तक फैकल्टी प्रोफेसर के रूप में डीएवी कॉलेज होशियारपुर में अपनी सेवाएं निभाई और अब डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी में सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। परंतु वो कहते हैं ना, उम्र बचपन का और दिल बचपन का, इनके अंदर जिज्ञासा, रिसर्च और कुछ ना कुछ नए शोध की भावना जागी रहती है, इनको भूख हमेशा लगी रहती है। इनसे मिलना हुआ, इनके भूख के बारे में जानकारी मिली, मैंने आग्रह किया कि सर आप अपने रिसर्च के बारे में दुनिया को बताइए, फिर जाकर कहीं हम इस डिस्कस पर पहुंच पाए, इस चर्चा पर पहुंच पाए, इस केंद्र बिंदु पर पहुंच पाए और महत्वपूर्ण विषय ढूंढा जिसके लिए आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, टर्माइट्स को लेकर, दीमक को लेकर। आज इस इंटरव्यू में दीमक के बारे में हर तरह की बात होगी, उसके खान पान की बात होगी, उसके नुकसान की बात होगी, उनके रहने सहने की व्यवस्था की बात होगी और उनके हमें क्या फ़ायदे हैं, नेचर को उसका क्या फ़ायदा है उसके बारे में बात होगी, बात होगी उनके प्राकृतिक शत्रु के बारे में। तो तैयार हैं आप? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए और तैयार हैं तो एक्टिव हो जाइए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले जीवीसी अपडेट में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं जीवीसी चैनल और जीवीसी चैनल से जुड़े सारे व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे आप सबके सामने रूबरू होने का मौका दिया और ये भी मौका दिया कि मैं किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में बोलूं, क्योंकि मैं इस टर्माइट से, दीमक से लगभग पिछले 38 ईयर से जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा टॉपिक जो होगा क्यों ना इसी को ही कवर किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये टर्माइट है क्या। टर्माइट एक इंसेक्ट है। अब कई लोगों को इस इंसेक्ट के बारे में भी नहीं पता होगा कि ये इंसेक्ट होते क्या हैं। एक सीधा सा फंडा है, जिस एनिमल में, जिस इन्वर्टिब्रेट में 6 टांगे हों वो इंसेक्ट है, इसीलिए इनको हेक्सापोडा कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक पहले इंसेक्ट है। इंसेक्ट एक सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम के अंदर। इसमें लगभग पहले 26 ऑर्डर होते थे, इंसेक्टा को हम क्लास ग्रुप कहते हैं, आगे इसमें 26 ऑर्डर होते थे, बाद में बढ़कर 29 हुए, फिर 30 हुए, फिर 33 यानी कि 33 हुए। चलो जितने भी थे, जितने भी ग्रुप हैं, उनमें से एक ऑर्डर है आइसोप्टरा। आइसो इक्वल पटेरा, PTERA, विंग्स, यानी कि वो इंसेक्ट जिसके अंदर विंग्स की लेंथ बराबर है, तो उसको हम कहते हैं आइसोप्टरा। तो ये क्या हुआ, क्लास इंसेक्टा ऑर्डर आइसोप्टरा का मेंबर है। अब दूसरी बात, मैं इसके ओरिजिन की बात करूंगा। अब ये जो दीमक है, यदि हम एवोल्यूशनरी टाइम स्केल को देखें तो इन टर्माइट्स का जो एवोल्यूशन हुआ वो लगभग
251 लाख साल पहले हुआ। और यदि हम ये माने कि इसका फॉसिल रिकॉर्ड ही माने, तो वो जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो लगभग 130 लाख साल पहले का है। यदि हम इसके ओरिजिन की, हमारे ओरिजिन से बात करें, तो वो लगभग 3 या 3.15 के आसपास लाख साल पहले का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एवोल्यूशन हमारे से कहीं पहले हुआ, इस धरा पर, इस जमी पर, इस वसुंधरा पर ये हमारे से कहीं पहले आए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तब से लेके अब तक इनका जो सिस्टम है, इनका जो रहन सहन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। हालांकि इस लंबे समय में इनके अंदर इनकी कुछ स्पीसीज एंडेंजर्ड हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, चली गई हैं, एलिमिनेट हो गई हैं, कुछ हमारी गलतियों से और कुछ नेचर जो अपना नेचुरल सिलेक्शन शो करता है उसके कारण वो एलिमिनेट हो गई हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे पूरी दुनिया में एस्टिमेटेड है कि लगभग 4000 टर्माइट की स्पीसीज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अवेलेबल हैं, जिनमें से 3000 अंदाजा है कि उनका वर्गीकरण कर दिया गया है, अभी ये कौन कौन सी जाति की हैं। उसमें से लगभग 10% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 300 स्पीसीज हमारे इंडिया में हैं। क्योंकि ये इंटरव्यू होशियारपुर में चल रहा है, तो मैं बता दूं कि अपने यहाँ होशियारपुर में भी लगभग इसकी 12 स्पीसीज लोकेट की जा चुकी हैं। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि सबसे पहली पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च जो दीमक पे या टर्माइट पे हुई थी, दैट वाज इन 1955 बाय सुशील कुमार गिलोत्रा। ही वाज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर जी एल अरोड़ा जी, उस टाइम वो रीडर थे, बाद में प्रोफेसर बने। और उनके आगे एक और स्टूडेंट थे प्रोफेसर एचआर पजनी, और प्रोफेसर एचआर पजनी जी का मैं स्टूडेंट डॉक्टर सीवी रोड़ा, यानी कि उस टर्माइट की ऊपर रिसर्च करने के लिए होशियारपुर में मैं उनकी तीसरी जनरेशन हूं। सो जहां तक अब टर्माइट के सोशल सेटअप के बारे में बात है, तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इनका जो सोशल सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द एफिशिएंट एंड द ओल्ड सिस्टम। बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका। इन टर्माइट्स को हम तीन ग्रुप में नॉर्मली बांटते हैं। एक वो टर्माइट जो गीली लकड़ी को प्रेफर करते हैं, डैम्प वुड टर्माइट कहते हैं उसको। दूसरी है ड्राई वुड टर्माइट, वो सूखी लकड़ी में रहते हैं और सूखी लकड़ी से ही सब कुछ, जो कुछ चाहिए वहां से लेते हैं। पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि दीमक यानी टर्माइट्स के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के ये दीमक होते हैं, उस पर सर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे ताकि आपको पता लग जाए और आप पहचान कर पाएं कि कौन सा दीमक किस टाइप का है। विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी सर, तीसरी जो टर्माइट है वो होती है सब टिरेनियन, जो धरा पर या धरा से नीचे रहती हैं, जमीन के नीचे रहती हैं। लेकिन जब वो जमीन के ऊपर होती हैं या जमीन के नीचे होती हैं, तो अलग अलग सबटेरेनियन टर्माइट्स की अलग अलग हैबिट्स होती हैं। उनमें से कुछ ऐसी टर्माइट हैं जो बाहर एक विजिबल स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी लोगों ने या सभी फार्मर्स ने या सभी किसानों ने या सभी ह्यूमन बींग्स ने देखा होगा। एक माउंड बना होते हैं, जगह जगह पे माउंड बने होते हैं, होशियारपुर में भी बड़े कॉमन हैं, जिसको हम टेक्निकली टर्मिटेरियम कहते हैं, टर्मिटेरियम। वैसे उसको मड माउंड भी कह देते हैं, लेकिन
लोगों को ये नहीं पता होता कि ये दीमक के घर हैं या दीमक की कॉलोनी है। लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे हमारे जो नाग देवता हैं वो विराज करते हैं, और गलती से या वैसे या हमारे सिस्टम के कारण वो वहाँ पे जाके उसकी पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि यहाँ पे नाग देवता जी विराजमान हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सांप यदि कभी कभी मिलेगा भी वहाँ पे, तो वो तब मिलेगा यदि वो कॉलोनी दीमक ने खाली कर दी है, अबेंडेंड हो गई है, वहाँ पे चली गई है। यानी कि दीमक की कॉलोनी में सांप नहीं रहते, ये साफ हो चुका है। और ये तस्वीरें भी आप हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए, कैसे लोग टर्माइट्स के कॉलोनीज के बाहर दूध रख जाते हैं, ये सरकार रिसर्च कह रहा है। जी सर, तो मैंने कहा कि वहाँ पे सांप हो सकते हैं कभी बाय चांस, जब उनको कोई जगह ना मिले। क्योंकि तुम जब आप इनके माउंट्स को देखोगे, जब उनके स्ट्रक्चर को देखोगे, जब उनकी बिल्डिंग को देखोगे, तो आपको लग जाएगा कहीं से यदि टूटा हुआ है सांप को कहीं जगह नहीं मिली तो अंदर चला गया। लेकिन इसके अंदर जो सोशल सिस्टम है, वो मैं उसके बारे में बताऊंगा, वो बहुत इतना इफेक्टिव है कि वो सांप को भी मजबूर कर देंगे कि सांप को उसको वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। यदि रहेगा भी तो लिविंग कॉलोनी में वो टिक नहीं सकता। अब जहाँ तक मैं टर्माइट के सोशल सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर मेनली मैं चाहूँगा कि मैं कैमरामैन जी से कि वो पहले एक स्लाइड दिखाएं जिसमें डिफरेंट माउंट्स यहाँ पे विजिबल हों, और आप ये सामने देख पा रहे हैं जी। तो वो माउंट्स वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशंस के ऊपर वो माउंट्स वहाँ पे होते हैं। इनका सामाजिक ढांचा जो है वो इस तरह से होता है। हाँ, अलग अलग सबटेरेनियन टर्माइट अलग अलग तरह के इस तरह के घर बनाते हैं या इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें से जो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो सबसे कॉमन है, जो हर एक ने देखा आमतौर पर। अदरवाइज क्या होता है कि कई ऐसे भी माउंट बनाती हैं जो रूट सिस्टम के अंदर, प्लांट के अंदर ही, जड़ों के अंदर अपना ढांचा खड़ा कर लेती हैं, जो बाहर आपको नजर ही नहीं आता। पेड़ के अंदर ही अपना ढांचा खड़ा कर लेते हैं और बाहर से हमें नजर नहीं आएगा। कमाल है। तीसरा ऐसा भी ढांचा होता है जो पेड़ों की जड़ों के अंदर ही बड़ा सख्त किस्म का ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यदि आप उसको किसी चीज से तोड़ना भी चाहो तो वो तब भी तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि मड माउंड है, उसको हम टर्मिटेरियम कहते हैं जी। दूसरा मैंने बताया कि प्लांट्स के अंदर या बिल्डिंग के अंदर भी ये तैयार कर लेती हैं, एक ऐसी टर्माइट है जो मड की तो नहीं है लेकिन उसके अंदर उनका फीकल मैटर, उनके अंदर प्लांट मैटर डिपॉजिट होया हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं सेमी कार्टन नेस्ट। तीसरे होते हैं जो बड़े हार्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्टन नेस्ट, वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्टन, सेमी कार्टन या टर्मिटेरिया, ये सब अलग अलग तरह की कॉलोनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की कॉलोनी है। और ये खाते क्या हैं सर? फिर ये एक्सक्लूसिवली प्लांट और प्लांट ओरिजन को कंज्यूम करते हैं। ओके, प्लांट और प्लांट ओरिजन एक्सक्लूसिवली सेलुलोज फीडर हैं। सेलुलोज फीडर हैं। तो है। जो भी प्लांट में सेलुलोज कंटेंट्स होंगे उनको ये कंज्यूम करेंगे, या सेलुलोज का जो प्रोडक्ट बना हुआ होगा उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक तो है, अब हैरानी वाली बात यह है कि यदि आप इस स्लाइड में देख पाओ, तो मैंने जो माउंड वाली जो आपको दिखा रहा हूँ, उसके जब आप उसका सेक्शन काटोगे ना, जब आप उसका सेक्शन देख रहे हो, तो उस सेक्शन में पॉकेट्स बनी हुई हैं, है ना। उन पॉकेट्स में एक्टिव सीजन का कौन सा होता है, से जुलाई टू अप टू मिड ऑफ द अक्टूबर, उस टाइम मॉइस्चर वगैरह होती है,
तो उस टाइम ये इनको पार्टिकल बाय पार्टिकल इकट्ठा करती रहती हैं और यहाँ पे आके उसको डिपॉजिट करती रहती हैं। पहले ऊपर वाली पॉकेट्स में, जो आपको ब्लाइंड पॉकेट नज़र आ रही हैं इस टर्मिटेरिया के वर्टिकल सेक्शन में, वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, उसके अंदर एक फंगस को कल्टीवेट करती हैं। बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उनको लगता है कि अब ये फिट है, तो उसको फिर नीचे इन पॉकेट से लगभग जमीन के लेवल से 3-3.5 फीट या 4 फीट तक भी नीचे ले जाती हैं, और उसको फिर जाके एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे कास्ट सिस्टम, जो इनके अंदर मैंने बोला कि कास्ट सिस्टम इनके अंदर 3 तरह की होती है, एक वर्कर्स होते हैं, एक सोल्जर्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव कास्ट होती है जिसको हम कहते हैं क्वीन, तो उस क्वीन के चारों तरफ इस मैटर को डिपॉजिट कर देते हैं। उस क्वीन के चारों तरफ इतना मैटर ये डिपॉजिट कर देती हैं कि यदि आप उसको वे करोगे तो लगभग दैट मे बी इन अराउंड, जो मैंने आज तक वे किया, अप टू 50 kg, इतना मैटर वहां पे डिपॉजिट होता है। ये बड़ा, मतलब इसको हम कहते हैं फंगल गार्डन या फंगल कॉम। उसमें एक तो सेलुलोज है, सेलुलोज के पार्टिकल्स हैं, बड़ा एक स्पेसिफिक शेप दी हुई है, उसके अंदर गैलरी सिस्टम है, उसके अंदर से वर्कर सोल्जर फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, और उसके अंदर फिर उन्होंने फंगस को कल्टीवेट किया होता है। अब फंगस कल्टीवेशन का वहां पे पर्पज क्या है? एक्चुअली ये जो टर्माइट्स है ना, ये इनको हम एवोल्यूशन वाइज 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओल्ड वर्ल्ड और एक न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड जो टर्माइट्स हैं, इनके गट के अंदर कुछ प्रोटोजोन होते हैं, वो प्रोटोजोन इन्होंने अपने आप अपने अंदर कल्टीवेट किए हुए होते हैं। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी कि जब वो डेवलप कर रहे होते हैं, तो इनको आगे आगे भेजते रहते हैं थ्रू देयर गट कंटेंट्स। अब उनका पर्पज क्या होता है, यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये सेलुलोज एक्सक्लूसिव फीडर तो जरूर हैं, लेकिन ये सेलुलोज को अपने आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए या तो इनके गट कंटेंट्स के अंदर या गट के अंदर इनको कोई एक माइक्रोफोना, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं, वो इनको इनके अंदर रखने पड़ते हैं, या फिर जो ये ओल्ड वर्ल्ड का है, ओल्ड वर्ल्ड जो टर्माइट्स हैं, जो न्यू वर्ल्ड टर्माइट्स हैं, उनके लिए इनको इस पर्पज के लिए फंगस को उसके अंदर कल्टीवेट करना पड़ता है। टर्माइट्स में भी पुराने और नए का दौर है? हाँ जी, एक्चुअली 2-3 फैमिली हैं, मास्टोटर्मिटिडी, कैलोटर्मिटिडी, राइनोटर्मिटिडी, ये सब ओल्ड वर्ल्ड है, यानी कि प्रिमिटिव टर्माइट्स हैं। जो आगे टर्मिटिडी फैमिली है वो एडवांस फैमिली है। अब जो एडवांस फैमिली है उसके अंदर आपको उनके गट में ये प्रोटोजोन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ओल्ड वर्ल्ड हैं या प्रिमिटिव हैं, उनके गट में अंदर, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोटोजोन होंगे। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है, एनिमल ऐसा नहीं है जो सेलुलोज को एज सच डाइजेस्ट कर सके, केवल कुछ एक एनिमल को छोड़ के, कुछ क्लैम्स हैं, स्नेल्स हैं, या इवन हमारा जो अर्थवर्म है उनके अंदर ऐसा कुछ होता है, या कुछ एक दो और हैं एक्सेप्शनल। अदरवाइज एनिमल किंगडम के अंदर और मैमल में तो कोई भी नहीं जो एज सच सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि भी हमारे कैटल्स, हमारी गायें भैंसें तो खाती सेलुलोज हैं, तो उनका सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होता है, वो तो डिपेंडेंट ही उन पे है। बिल्कुल सही, एक्चुअली उन्होंने अपने स्टमक में इन बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया होता है, वो वहाँ पे फ्रेंडली रह रहे होते हैं, तो वो एंजाइम सिक्रीट करके और उनके सेलुलोज कंटेंट्स को यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही, तो ये एक्सक्लूसिवली सेलुलोज फीडर हैं, और इस पर्पज के लिए या तो ये फंगस को ग्रो करेंगे, या फिर जो हमारी जो प्रिमिटिव टर्माइट्स हैं वहां पे इन्होंने अपने गट में, अपनी इंटेस्टाइन में कुछ
प्रोटोजोन को कल्टीवेट किया होता है और उन कल्टीवेट उन प्रोटोजोन की मदद से फिर ये उस एंजाइम सिक्रीट करके सेलुलेज और उसको फिर ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट करते हैं। सो तो ये एक्सक्लूसिवली फीडर हैं। अब ये फूड कलेक्शन का काम, फूड लोकेशन का काम, फूड को अलग अलग जगह से प्रक्योर करने का काम, ये सारा इनके वर्कर्स का होता है। यदि आप स्लाइड में देख पाएं तो इसके अंदर एक वर्कर नजर आएंगे। अच्छा, इनके कॉलोनी में वर्कर्स भी रहते हैं? वर्कर्स रहते हैं। मैक्सिमम जो नंबर होगा इनका वर्कर्स का होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो सोल्जर्स का होगा। वो एक फिक्स रेशो होती है इनकी, तो उस परसेंटेज में ही ये सोल्जर अवेलेबल होंगे। और ये सोल्जर कोई इनएक्टिव सोल्जर नहीं है, एक्टिव सोल्जर है। अच्छा, ये जो टर्माइट है दे नेवर टेक रेस्ट। जितनी जिंदगी वो रहेंगे उतनी देर ये काम ही करेंगे। अच्छा। जब ये काम नहीं करेंगे इनएक्टिव हो जाएंगे। कॉलोनी मेट्स को यदि पता लग गया भी ये इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा, ही विल बी स्कम टू डेथ। और उसका जो मैटर है उसको वो रिसाइकल कर देंगे, यूज कर लेंगे। तो इनको अपने सोल्जर या वर्कर्स या इनमेट्स को बाहर निकालने के लिए कोई सिस्टम नहीं चाहिए, इनका अपना इनबिल्ट सिस्टम है। तो मैं बता रहा था कि वर्कर्स इन फंगस कॉम को इकट्ठा करके नीचे 4-5 फीट नीचे ले जाते हैं। उस 4-5 में जब आप स्लाइड में देखोगे तो उसके जब हटाएंगे तो उसके एक साइड में या सेंटर में एक बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर, छोटा सा पोर्शन पड़ा होगा जिसको हम कहते हैं रॉयल चैम्बर। अब इस रॉयल चैम्बर या इस शाही निवास, हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे केवल राजा और रानी, यानी कि जिसको हम रिप्रोडक्टिव कास्ट कहते हैं, वर्किंग जो वर्किंग रिप्रोडक्टिव कास्ट है, क्वीन एंड किंग, वो होंगे। क्वीन और किंग का जो साइज होता है इनिशियली एक जैसा होता है। आप जब किंग का साइज इसमें देखेंगे तो किंग का साइज क्वीन के बराबर होता है इनिशियली। जब ये बन के और कॉलोनी से बाहर निकलते हैं तब इनका साइज बराबर बराबर होता है, लेकिन एक आगे प्रोसेस है, मैं आगे आगे चल के बताऊंगा आपको कि होता क्या है। अब ये जो रॉयल चैम्बर है, मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो क्वीन नजर आ रही है ये बहुत बड़ी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये सारा कुछ बन रहा होता है, जब ये मैच्योर हो रही होती है, तो इसके अंदर जो इसका एब्डोमिनल पार्ट होता है, इसमें एक्चुअली इंसेक्ट में ना तीन रीजन होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन। हेड और थोरेक्स जो होता है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है वो बिल्कुल एनलार्ज्ड हो जाता है, यानी कि जो फ्यू एमएम साइज में था दैट विल कन्वर्ट इनटू इंचेस। राइट, स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ्यू इंचेस लॉन्ग है, स्पेसिमेन लिविंग में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटली रिप्रोडक्टिव मशीनरी से भरा हुआ है। रिप्रोडक्टिव मशीनरी, टोटल सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी सिस्टम ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड है, रिप्रोडक्टिव मशीनरी से भरा, केवल ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब ये अंडे देती है तो ये अंडे इनके अंदर, इसके एब्डोमन के अंदर वेव चलती है, मतलब आगे कंस्ट्रिक्शन फिर रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, और स्पार्ट में थ्रू इट्स रिप्रोडक्टिव अपर्चर लगातार ये अंडे आते रहते हैं। जैसे ट्रेन चलती है ठीक वैसे ये अंडे लगातार आते रहते हैं, अंडे बाहर निकलते रहते हैं, अंडे आते रहते हैं। और ये मैच्योरिटी से लेके लगभग 10 साल तक यही कुछ चलता है। बाद में भी चलता है क्योंकि जो क्वीन का जो लाइफ स्पैन है, नॉर्मली हम मान के चलते हैं 10 साल, लेकिन यदि आइडियल कंडीशन हो तो इनका लाइफ स्पैन 25 से लेके 50 साल का भी हो सकता है। वाओ, क्या बात है। मतलब एक बार अगर ये राजा रानी कहीं आ गए तो जाएंगे कहीं नहीं, वहीं रहेंगे, अपने शाही निवास में रहेंगे। इस शाही निवास में, इस रॉयल चैम्बर में, इनके साथ इनके अटेंडेंट्स, इनके सोल्जर, ये इसका जो इंट्रिकेट आप नेटवर्क देख रहे हैं, हर एक चैम्बर में
इसके सोल्जर बैठे होंगे, अटेंडेंट बैठे होंगे, तो इनके इन एंट्रेंसी से होते हुए कोई इंट्रूडर इस रॉयल पेयर तक नहीं अप्रोच कर सकता। बहुत सिक्योरिटी होती है।